हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रावत व्लॉग में। और आज मैं इस बिगिनर सीरीज़ में आपके लिए लेके आया हूँ ट्राइसेप्स का वर्कआउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्कआउट हम करेंगे क्लोज ग्रिप डंबल प्रेस। आपको बॉडी के क्लोज रखना है, आपकी एल्बोज भी क्लोज रहेंगी। एंड यहीं से अप, डंबल को पास रखते हुए एंड डाउन आराम से अप, पूरा ऊपर स्ट्रेच, डाउन स्ट्रेच, पूरा ऊपर एंड देन डाउन। देख सकते हैं मैंने भी इसका एक सेट करा है, बट बहुत ही मतलब आराम से और अच्छे से करा है और काफ़ी अच्छा पंप आया मेरे को इसी में। ये मैंने आपको 5 किलो के डंबल से करके दिखाया है। अगर आपके पास 5 से ज़्यादा के डंबल हैं तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस वाले वर्कआउट में आप जितना हैवी लोड ले सकें, मतलब स्टार्ट कर सकें, जैसे 2.5 से 5, 5 से 7.5, 10, तो सेफ़ भी है, इसीलिए आप कर सकते हैं इसको। और उतना आपकी मसल के लिए अच्छा रहेगा इस वर्कआउट में, मतलब अपनी मसल पे जितना आप लोड डाल सकें ताकि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाएँ अपनी मसल पे। तो अगला वर्कआउट हम कर रहे हैं डंबल किक बैक, और इसमें हम 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हुए एल्बोज पीछे एंड पूरा स्ट्रेच करेंगे एंड कॉन्ट्रैक्शन फील करेंगे एंड देन वापस नीचे आराम से, पूरा कॉन्ट्रैक्शन फील एंड होल्ड एंड वापस नीचे। हमारे लॉन्ग हेड को बहुत अच्छे से हिट करता है वर्कआउट, और शायद ये आपके लिए टफ रहेगी अगर आप इसमें ज़्यादा हैवी करेंगे तो। लाइट डंबल से ही इसको करना सही रहेगा। नीज इसमें आपके बैंड रहेंगे थोड़े से एंड आपको आगे की तरफ झुकना है, अप्रॉक्स 45 डिग्री एंगल। एल्बोज आपकी पीछे रहेंगी बॉडी से, तो ये साथ में नहीं रहेंगी, बॉडी से पीछे एंड देन पूरा स्ट्रेच एंड होल्ड आराम से, स्ट्रेच पूरा स्क्वीज फील करें अपने लॉन्ग हेड पे एंड होल्ड एंड अगेन। आपको अपने लॉन्ग हेड की मसल्स पे बहुत ज़्यादा बर्न फील होगा इस वर्कआउट से, तो इसके भी 3 से 4 सेट लें, रैप रेंज सेम रखें, तो इस वर्कआउट से आप अपने लॉन्ग हेड को बहुत अच्छे से हिट कर सकते हो। थर्ड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं फ्लैट ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन। इसमें भी आपको लेटना है। फ्लैट ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन में आपको डंबल को पीछे लेके जाना है इस एंगल में, अपने शोल्डर लॉक करके एंड देन यहाँ से आपको लेके आना है इधर, पूरा इधर नहीं लेके आना, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वो आप फील नहीं कर पाओगे मसल पे टेंशन। एंगल थोड़ा इधर रखो ताकि आप पूरे टाइम मसल पे फील कर पाओ, देन यहाँ से अप, पूरा नीचे, यहाँ से अप। अगर आपके पास बेंच है तो उस पर करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये लग रहा है यहाँ पे, ज़मीन पे लग रहा है, इससे ज़्यादा डीप जाना बेटर रहेगा। फोर्थ एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं डिप्स ट्राइसेप्स के लिए, और जो कि मैं इस पे करने वाला हूँ क्योंकि मैं छत पे कर रहा हूँ और यहाँ बेंच नहीं है, बट अगर ये टूटा तो माता जी मुझे तोड़ देगी। आपके पैर आगे रहेंगे, नीज़ मेरे बैंड है, ऐसे नहीं रखना, नीज़ बैंड, चेस्ट आपकी आउट रहेगी, चेस्ट ऐसे नहीं करनी है, कुछ लोग ऐसे भी कर लेते देखा मैंने, शोल्डर पीछे लॉक, चेस्ट आउट, फेस सामने एंड पूरा नीचे, जितना डीप जा सकते हैं जाएंगे एंड देन ऊपर पूरा स्ट्रेच, नीचे आराम से पूरा स्ट्रेच। तो वर्कआउट हम फिनिश करने जा रहे हैं क्लोज ग्रिप पुशअप्स के साथ, और इसकी आप अलग अलग वेरिएशन लगा सकते हैं अपनी ओवरऑल ट्राइसेप्स की मसल्स को हिट करने के लिए। तो जैसे नॉर्मल पुशअप जो आप चेस्ट के लिए लगाते हैं उसमें आपके हाथ वाइड रहते हैं, इसमें क्या करना है आपको हाथ क्लोज रखने हैं। जितना आपके हाथ आपकी बॉडी से क्लोज रहेंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर आपके ट्राइसेप्स पे आता है, उतना ज़्यादा आप ट्राइसेप्स मसल को हिट करते हैं। तो ये हम क्लोज ग्रिप पुशअप्स कर रहे हैं, हाथ मेरे इसमें पास हैं। स्टार्टिंग में अगर आप ज़्यादा पास ना रख पाओ तो आप थोड़ा सा वाइड ही रखना, कोर टाइट, बॉडी मैंने ऐसे नहीं छोड़ रखी, हिप मेरे ऊपर है एंड देन आराम से नीचे आएंगे पूरा एंड देन अप। जब ऊपर आएंगे तो पूरा ऊपर आएंगे, हाथ आधा नहीं छोड़ना है। तो आप अपने ट्राइसेप्स के वर्कआउट को पुशअप्स के साथ फिनिश कर सकते हैं। वैसे तो ये बिगिनर सीरीज है, लेकिन तब भी अगर आप एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हो या ट्राई करना चाहते हो इस पुशअप्स के बाद, क्लोज ग्रिप पुशअप्स के बाद,
तो आप डायमंड पुशअप ट्राई कर सकते हो, जिसमें आपकी हाथ ऐसे मिलेंगे, कुछ डायमंड शेप बनेगी। सेम आपको यहाँ रखना है, पूरा नीचे चेस्ट मेरी टच हो गई हाथों पे, एंड देन अप। तो अगर आपको क्लोज ग्रिप पुशअप्स ईजी लगे, या अगर आप वो आप इजीली कर पाए इन फ्यूचर, तो आप नेक्स्ट डायमंड पे आ सकते हो। इससे आपके ट्राइसेप्स पे और ज़्यादा प्रेशर आता है, जितना प्रेशर आपके क्लोज ग्रिप पे आता है उससे एक्स्ट्रा आप फील करोगे। तो ये था हमारा आज का ट्राइसेप्स का वर्कआउट, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शोल्डर्स के वर्कआउट के साथ, तब तक के लिए पीस।